Sairam everyone, I welcome you all to SRK 6-in-1 Predictive Numerology course. सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता देती हूँ. आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर. ऑल ऑफ यू प्लीज ऑन योर वीडियोस बस आज के लिए. इसके बाद इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन ऑन, अदरवाइज इट्स अप टू यू. बिकॉज मुझे पता है कई लोग घर का काम करते हुए पढ़ेंगे आज के बाद, कुछ और काम करते हुए भी पढ़ेंगे आई नो, लेकिन आज के लिए बिकॉज वन टू वन इंटरेक्शन का डे आज, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता दूँ. दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2008. एक्चुअली आई फर्स्ट डिड एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में आई डिड वेरी गुड. पहले मैंने वैदिक की थी सबसे पहले, तो उसके बाद अगर किसी का टाइम नहीं होता था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी उसके बारे में कंसल्टेशन देने में. मैंने बहुत साल मैंने फ्री कंसल्टेशन दिए लोगों को, बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस एज माई हॉबी. मैं आई वॉज एन HR इन अ कंपनी, आई हैव डन MBA इन HR, तो मैं इसको एज अ हॉबी फॉलो करती थी. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगी या इट्स अ वे ऑफ अर्निंग फॉर मी. आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट. लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई जॉब. डेस्टिनी 4 हूँ, तो आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं 1 और 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हैप्पी नहीं थी. और कुछ अनवांटेड फियर्स रहते थे माइंड में हमेशा, पता नहीं कुछ इनसिक्योरिटीज रहती थी कि मे बी, मतलब अच्छी खासी पोस्ट थी मेरी, आई वॉज एन HR मैनेजर, लेकिन हमेशा लगा रहता था कि शायद ट्रांसफ़र ना हो जाए या मेरे को अपनी जॉब से हटाना दे. बहुत ज़्यादा अनवांटेड फियर्स रहते थे, जबकि माई बॉस वॉज वेरी हैप्पी विद मी और वैसे भी आई वॉज डूइंग गुड. लेकिन बिकॉज डेस्टिनी 4, अभी हम 4 नंबर्स की डिटेलिंग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा. तो इसीलिए फिर मैंने क्या एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी राहुल सर से, ऑकल्ट मास्टर जो हैं. मैंने कोर्स कम से कम अराउंड तब 42,000 का उनका कोर्स था जब मैंने किया था, मैंने रेगुलर किया था, तो लोशु ग्रेड और ये सब था उसमें, तो अच्छा था, हेल्पफुल था, लेकिन लिमिटेशंस थी काफ़ी सारी. सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता पाते थे किसी के, ज़्यादा नहीं बता पाते थे. देन आई डिड लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ न्यूमरोलॉजी. फिर वैदिक जब मैंने करी, वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने करी, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको देखा कि जो मैं वैदिक से प्रिडिक्शन करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं जो मेरी एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है उससे मैच हो रही होती है. तो दैट इज़ वाई आई फाउंड इट मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ प्रिडिक्शन. अगर आपको किसी का टाइम नहीं पता, आप कुंडली नहीं बना रहे, तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, न्यूमरोलॉजी से आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे किसी के बारे में. सो आई फाउंड इट मोस्ट एक्यूरेट, तो दैट इज़ वाई देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस मेथड ओनली. जबकि वैदिक की जो मैंने फीस दी थी दैट वॉज 35,000, कम थी सोशल ग्रिड से, लेकिन आई फाउंड इट मोस्ट एक्यूरेट. तो फिर मैंने धीरे धीरे वैदिक में स्विच हो गई, लोशु ग्रिड कम यूज करनी शुरू कर दी क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती थी. वैदिक से इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस हो जाती थी, इतने अच्छे इवेंट्स निकाल लेती थी मैं. तो दिस इज हाउ आई डिड. लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं लाइफ में. जब आप लोग, अभी मैं जब पढ़ाया करूँगी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ काफ़ी बार आप लोगों के सामने आएगा. तो अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हमेशा सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुए हूँ. लेकिन पता नहीं था कि चार्ट में इतने सारे राजयोगाज हैं, ये नहीं पता था मुझे. मुझे हमेशा से यही लगता था कि एक कॉमन पर्सन हूँ, HR की जॉब करनी है और जैसे लोग रहते हैं वैसे जीना है. आई डिडंट न्यू दैट आई हैव सो मैनी राजयोगाज इन माई चार्ट. बट जब मैंने इस साइंस को समझा, और सबसे ज़्यादा तो मुझे न्यूमरोलॉजी से, मैं सच बताऊँ मुझे एस्ट्रोलॉजी से भी कभी इतना नहीं पता चला कि मेरे चार्ट में इतने सारे राजयोगाज हैं. बट वेन आई डिड वैदिक तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई, क्योंकि आप लोगों को 81 कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस कराए जाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग प्रिडिक्शन करोगे. मतलब 81 कॉम्बिनेशंस तो हैं ही हैं, वो तो यूजफुल हैं ही हैं. उसके अलावा 50 कॉम्बिनेशंस और कराए जाएंगे जो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करते हैं. आप लोग किसी के बारे में भी इतना एक्यूरेट बता दोगे कि दैट पर्सन, मतलब वो एकदम स्टन हो जाएगा कि यार आपको उनसे मेरे डेट ऑफ बर्थ से इतना कुछ कैसे पता चल गया, ठीक है. तो जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ना मेरे चार्ट में सारे राजयोगाज हैं. तो देन आई स्विच्ड, मैंने अपने नंबर्स का सपोर्ट लेना शुरू किया. मैं अपने नेम नंबर को, बिकॉज नेम नंबर मोबाइल नंबर तो एस्ट्रोलॉजी में होता नहीं है, तो महादशा अंतरदशा की रेमेडीज तो करती थी, लेकिन नेम नंबर मोबाइल नंबर इन सबको फिर अपने उस पर लाए.
नंबर पे जो मेरे लिए सपोर्टिव हो, ठीक है। तो धीरे धीरे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जॉब छोड़ी, एक दिन इसको एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले कंसल्टेशन से स्टार्ट किया, जैसे फ्री देखती थी तो 500 1100 लेना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि फ्री देखती थी तो कुछ मिलता नहीं था, कई लोग तो अपनी मर्जी से ही देख के चले जाते थे कि नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करा है। लेकिन ऐसा कुछ कोई चार्ज नहीं था कि हाँ जी मेरे इतने चार्जेस हैं, देने के बाद मिल जाते थे। ये बाबा की बहुत ब्लेसिंग रही है क्योंकि प्रडिक्शन शुरू से अच्छी होती थी। लेकिन ऐसा कोई चार्ज, तो एज अ सोशल वर्क ही सोचा था करूंगी लाइफ टाइम, लेकिन पता नहीं कब प्रोफेशन बन गया। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था राजयोगा से, तो जब उनका सपोर्ट लिया तो यस डेफिनेटली आई टच्ड हाइट्स, और आज बाबा की ब्लेसिंग से इतना मिला है, आई थिंक शायद औकात से भी ज़्यादा मिला है, यही मैं बोलूँगी। लेकिन और यही मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी हो, बिकॉज मैजिक होता है जब अपने नंबर्स का सपोर्ट लेते हैं। लाइफ 360 डिग्री टर्न ले लेती है अचानक से ही। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अपना 200% देना है, क्योंकि जब हमने करा था लाइव क्लासेस होती थी, और आप लोगों को तो जितना सपोर्ट मिलेगा, हमारा PDF मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, और जिस ग्रुप में आप हो वो लाइफ टाइम हमारे ग्रुप्स रहेंगे, कभी मैं उस ग्रुप को लीव नहीं करती। हम लोग अब एक फैमिली बन जाएंगे। आप लोग आगे देखोगे भी कि मेरा कितना सपोर्ट रहेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को इश्यूज भी हैं तो मैं आउट ऑफ बॉक्स जाके भी हेल्प करती हूँ अपने स्टूडेंट्स की, ये आप लोग धीरे धीरे रियलाइज करोगे इस चीज़ को। और जैसे कि मैं बता रही हूँ हाँ कि 200% अपना देना है, 100% तो मैं अपना जो मैंने मेरे को ज्ञान मिला है, और 100% जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, तो ऑलमोस्ट 200% आई विल गिव टू ऑल ऑफ यू। और यही मैं एक्सपेक्ट करूँगी आप सबसे भी कि अपना 200% आप लोग मुझे दे दो। सिर्फ ये 1.5 महीना हम लोग साथ हैं, और इस 1.5 महीने में आप लोग इतने ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्षेत्रा की न्यूमरोलॉजी आप लोग सीखोगे। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों की ना डायरेक्शन में दोष होता है, एंटी डायरेक्शन होती है या एंटी कलर यूज हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता उसके बारे में, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वो कैसे ठीक करना, बाय जस्ट यूजिंग द नंबर्स। नंबर से आप लोग कैसे डायरेक्शन बता दोगे, तो ये सब है। और क्षेत्रा की बाकी चीजें तो है, वैदिक, लोशियु, कॉर्पोरेट नेम, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर, तो कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा आप लोगों को न्यूमरोलॉजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए है बिकॉज आई नो मैं आप लोगों को क्या दे रही हूँ, और मुझे इतने फीडबैक्स मिले हैं अपने स्टूडेंट से। आज भी मुझे एक स्टूडेंट जिसका अभी अभी कोर्स खत्म ही हुआ है, आई थिंक परसों लास्ट क्लास थी, आज ही उन्होंने मुझे बोला कि किसी को मैम मैंने प्रेडिक्शन दी, एंड उन्होंने मुझे मतलब वो हैरान हो गए सुन के कि आप इतना, 99% वो कह रही थी कि मैम एक्यूरेट था और बहुत ज़्यादा मुझे थैंकफुल वगैरह कह रही थी। तो वो बात तो है ही है, लेकिन सच में ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, और आप लोग भी ये चीज़ देखोगे धीरे धीरे साथ साथ, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, एक नवग्रह शांति मंत्र करते हैं ताकि 9 के 9 ग्रह की ब्लेसिंग मिल जाए ये 1.5 महीना। आई ब्लेस, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ, और इतनी शिद्दत के साथ आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहें। एंड लेट्स स्टार्ट इट, हैंड फोल्ड एंड क्लोज योर आईज एवरी वन। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकारा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम गणपतये नमः, ओम गुरुवे नमः। तो मजा आने वाला है आप लोगों को, 1.5 महीना काफी हेल्दी सेशन रहेगा हम लोगों का। तो आज डिटेलिंग करेंगे नंबर्स की, लेकिन उससे पहले एक 1-to-1 सेशन कर लेते हैं। आप लोग कुछ अपने बारे में अगर मुझे बताना चाहें देन आई विल बी रियली हैप्पी टू हेयर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होने की वजह से हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे, और क्लासेस में भी हेल्प रहेगा उसकी वजह से। तो लेट्स स्टार्ट इट, स्टार्ट करते हैं, वीना जी से स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज ऑन योर वीडियोस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। यस वीना जी, ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम वीना है और मैं दिल्ली से हूँ। प्रोफेशन से मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, और ओ मैंने वाह, वास्तु
वास्तु भी सीखा और मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। मैंने 2001 में सीखा था। ओके और न्यूमरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था। कोर्सेज तो मैंने बहुत किए लेकिन ना मुझे मज़ा नहीं आया किसी भी कोर्स में। मैंने फेस रीडिंग करी, टैरो कार्ड्स किए, पर उतना मज़ा नहीं आया जो मुझे अब तक एस्ट्रोलॉजी में था। अभी कुछ टाइम से ना मुझे हो रहा था, मुझे न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना है। और यू जस्ट बिलीव, आप मैंने 1 महीना पहले किसी और से कोर्स ज्वाइन किया न्यूमरोलॉजी का। और उनका जो पढ़ाने का तरीका था ना, मैं क्या हार्डली मैंने 3 या 4 क्लासेस ली तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उनकी क्लासेस अटेंड करूं। क्योंकि वो पता क्या करते थे, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा हो भी सकता है वैदिक से, हो भी सकता है नहीं हो सकता। इन बिटवीन मैंने फेसबुक पे आपका देखा कि वेबिनार है तो मैंने कहा ये अटेंड करना। और जब से मैंने अटेंड किया तो मेरे दिमाग में था मुझे करना ही करना। और मुझे ना बच्चे अकाउंट्स हैंडल नहीं करने देते। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको मैं फीस कैसे पे करूं? तो मेरी बेटी अब्रॉड में बैठी है, वो अभी रिसेंटली स्टडी वीजा पे गई है 4 सितंबर को। मैंने उसको बोला कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरी फीस सबमिट करवा बैंक से अकाउंट, और उसने किया। और आपकी वेबिनार में ही मेरे को सुन के इतना अच्छा लग रहा था कि वो तो बोलते हैं इसमें कुछ नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर हो भी सकता है, पॉसिबल भी, और नहीं पॉसिबल तो फायदा ही नहीं कोर्स ज्वाइन करने का। उस दिन मैंने सही कह रहे आपका हो। ज्वाइन किया और आप सोचोगे शायद मैं ऐसे कह रही हूँ, मैंने 4 दिन से उनकी क्लास ज्वाइन ही नहीं की है। ओके तो मुझे अच्छा लगा आप मैम, ज्वाइन किए। बस मुझे पता क्या था कि कई बार कोई चीज नहीं समझ में आती तो मेरे को नवंबर में बाहर जाना है अपनी बेटी से मिलने, तो मुझे यही था मेरा कोर्स जाने से पहले कंप्लीट हो जाए। तो वो भी बाबा की दया से मैं कल पूरा हो जाएगा क्योंकि मुझे 19 को जाना है। और फिर मैंने शायद जिनसे फोन पे बात की थी उनसे मैंने ये चीजें कंफर्म कर ली थी कि अगर मैं बाहर जाती तो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या कुछ मिलेगा, तो कह रहे हैं हाँ सब कुछ मिलेगा और आप चाहो तो नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर लेना और हाँ मैम, अगर बिल्कुल कोई डाउट्स बिल्कुल। रहते तो। हाँ हमारे यहाँ ये आप सबके लिए उल्टा प्लस पॉइंट है कि आप लोग जैसे कोई भी आपको लगता है कि एक मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़, या 2 4 5 6 जितने लेक्चर्स आप लोग रिपीट करना चाहते हो आप लोग रिपीट कर सकते हो, किसी भी क्लास में मेरे किसी भी लेक्चर में ज्वाइन कर सकते हो। हमारी आईडी सेम रहती है हमेशा, तो ठीक कोई है मना ही नहीं है किसी स्टूडेंट को। तो इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हर हर मतलब 2 या 3 बैचेस रिपीट कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैम 8 बजती है तो घंटी बज जाती है, मैम की क्लास स्टार्ट हो गई होगी तो ज्वाइन कर लें। कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं, हर क्लास में नया सीखने को नया मिलता है मिलता बिकॉज है। हम लोग फ्लो में बोलते नहीं कुछ ना कुछ नया तो वो जरूर कहते हैं मिलता मैम है। आपको नहीं पता हाँ चलता। हाँ जी कुछ ना कुछ नया मिलता है। हाँ, तो कहते हैं मैम आपको नहीं पता चलता, हमें पता है कि आप कुछ ना कुछ नया बताते हो हर बार। मैंने कहा मेरा तो कोर्स कंटेंट सेम ही है, पता नहीं आपको कैसे नया मिल जाता है। तो नहीं मिलता है कहते नया। नहीं मैम बोलते हो ना तो आपको नहीं पता चलता, हमें नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो प्लस पॉइंट है ही है कि आप लोगों के साथ कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपको कभी भी रिपीट करना है आप लोग कोई भी तरह की न्यूमरोलॉजी, सपोज आपको मेडिकल समझ नहीं आया आप मेडिकल का लेक्चर जो भी आपको नहीं समझ में आया यू कैन रिपीट। मुझे मैम योगा का लेक्चर रिपीट करना है जैसे जो मैंने कहा स्पेशल कॉम्बिनेशन कराएंगे आप वो रिपीट कर सकते हो, महादशा अंतरदशा रिपीट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन रिपीट। अभी आप लोग भी देखोगे अपने बैच में कि पुराने बच्चे आते रहेंगे ठीक है ठीक है। और ये एक चीज और डाउट तो क्लियर कर दो मैडम, ये कब कब क्लासेस होंगी आपकी? हाँ हमारी क्लासेस के डेज है मंडे वेडनेसडे संडे ठीक है, सेम टाइम 8 से 10? 8 से 10 रहेगी। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो चलो फ्राइडे हो गई, लेकिन नेक्स्ट क्लास आप लोगों की संडे ही है, संडे मंडे और वेडनेसडे। ठीक है दूसरी बात आप लोगों को पीडीएफ शेयर हो जाएंगे आज ही ग्रुप में, 4 या 5 लेक्चर्स के पीडीएफ में एक साथ शेयर कर दूंगी ताकि किसी को प्रिंट आउट निकलवाना तो वो निकलवा ले। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने अपने नोट्स बनाएं खुद, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है तो बाकी आप लोगों को जैसे ठीक लगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगी नोट्स बनाओ। मेरे पास तो आज भी 10 10 15 15 साल पुराने, मैंने तो उनको खजाने की तरह रखा है अपने रजिस्टर्स को, तो वो हेल्पफुल रहते हैं। मैडम बीना मैम को तो पता ही होगा, ये 20 साल देखो का मैं तो अभी भी एक्सपीरियंस कॉपी लेके कॉपी पेन लेके बैठी है मैम। फिर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोग करें, बाकी जैसे आप लोगों को ठीक लगे, मेरी तरफ से आप लोगों को कोई कमी नहीं मिलेगी और पूरा बैकअप सपोर्ट रहेगा, तो डोंट वरी। और वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा मिलेगी, किसी का मिस हो जाता है किसी को कहीं जाना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी।
उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो हम नेक्स्ट क्लास में हमेशा पहले क्वेरीज लेते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि अगर पिछली क्लास का ही समझ नहीं आएगा तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा, थैंक यू। हाँ जी, कुछ बोला वीना जी आपने? मैंने कहा थैंक यू। ओके ओके, माय प्लेजर, गॉड ब्लेस यू। स्वाति जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम स्वाति जी, वेलकम टू एसआरटीएस। तो मैम मेरा नाम स्वाति सुनहरे है और मैम मैं 1.5 साल बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन जाऊंगी। तो मैम इस साल मई से मतलब मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था न्यूमरोलॉजी में। मेरी मौसी ने ज्वाइन किया था कोर्स, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखना देखना करके। मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, तो फिर मैंने सोचा देख लेती हूँ। और मैम मैंने जैसे ही देखना स्टार्ट किया, बेसिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स था वो, मैम मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी मैम काफी टाइम से, और मैंने आपसे वेबिनार में एक दो बार कंसल्ट भी किया है। तो मैम मैंने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बोला कि मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है इन सब में, तो उन्होंने बोला तुम्हारी गुरु की दशा चल रही है तो आएगा आगे भी। तो ऐसे करते करते मैम फिर मेरा टैरो में इंटरेस्ट आया, मैंने लास्ट मंथ उसका भी कोर्स किया। फिर अभी मैम आपके वेबिनार से मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड थी, और वैदिक जो वैदिक ग्रिड है मैम उससे भी मैं बहुत ज्यादा थी। तो मैम मैंने मम्मी को काफी बोला, मैम मैंने आपको एक मैसेज भी किया था कि मैम किसी तरह कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मैम हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर वालों से कैसे पूछूं पैसों के लिए, बिकॉज एक तरफ मेडिकल चल रहा है मेरा, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे तैसे मम्मी से बात की और फिर मैम हो गया, तो मैम यहाँ पर आ गई मैं। थैंक यू सो मच मैम। आपको चुना है न्यूमरोलॉजी ने? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम टू फैमिली। यस मैम। तनुजा जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम तनुजा जी, कैसे हैं? हाँ बस फाइन मैम, बस आपका आशीर्वाद है। आई एम वेरी लकी, मुझे मैंने भी लास्ट 1 ईयर से काफी न्यूमरोलॉजी का सब अटेंड किया था, उसमें से लोशो ग्रेड मुझे बहुत इजी लगा, लेकिन वैदिक के बारे में सिर्फ सुना था। लेकिन जब भी आपका वैदिक ग्रेड भी मैंने एक देखा था, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आया। लेकिन आपका जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का 12 सितंबर या 18 सितंबर आई थिंक उसका जो अटेंड किया, और आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे और आपका जो सपोर्ट मुझे मिला है मेरे बच्चे के लिए, आपने जो जो भी आपने हेल्प किया या जो भी आपका सपोर्ट है, मैंने बोला साई बाबा ने आप साधना जी को मेरे लिए, और आप एक साधना, हम जो साई बाबा भगवान के लिए साधना, आपका नाम भी साधना है, तो मैंने बोला कि अभी बस आप ही के आपके यहाँ से बस इतना मुझे कुछ मिला है कि बस आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम लकी टू बी इन दिस फैमिली। ओम साई राम। मैं इससे तो कुछ मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए मैम। और आपका टीचिंग बहुत अच्छा है। हाँ, और इतना सारा कंटेंट हम जब सीख के खुद का लाइफ जब भी चेंज करेंगे साई बाबा की आप मतलब इससे हम ये न्यूमरोलॉजी से, हाँ तो हम भी जो चाहते कर पाएंगे, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भगवान से और कुछ मांगना ही नहीं है अभी। कि बहुत बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जो ढूंढ रही थी मुझे जो चाहिए वो मिल गया अभी। चलो ग्रेट ग्रेट, मे बाबा ब्लेस इन अबंडेंस। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। इट्स वेरी मींस एकदम राइट टाइम में मुझे मिला है, बिकॉज मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था व्हेन आई वाज स्टडीइंग लोशो ग्रेड, समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कम्प्लीट नहीं है, कि नहीं समथिंग इज मिसिंग, कि आई एम नॉट एबल टू प्रेडिक्ट और आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई सॉ योर लेक्चर्स एंड योर एक्सप्लेनेशन द वे यू टीच, ब्यूटीफुल, ब्लेस्ड मैम, थैंक यू। थैंक यू। एंड अभी आप लोग लास्ट लेक्चर में मैं कुछ अपने पुराने स्टूडेंट्स को इनवाइट करूंगी, तो आप लोग देखोगे कि दे आर अर्निंग इन 4 to 5 figures नाउ, जो जिन्होंने मुझसे 1 year पहले या 6-8 महीने पहले भी सीखा है, दे आर ऑल्सो अर्निंग प्रिटी गुड। तो ये 10,000 तो आप लोगों के बिल्कुल आसानी से ही वसूल हो जाएंगे, ये तो जस्ट इट्स अ पीनट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, वानालिका जी।
अनम्यूट करिए मैम, आवाज नहीं आ रही। अच्छा बट आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ नाउ यू आर ऑडिबल। हेलो यू आर ऑडिबल मैम। ओके 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 मैम। मैम मेरा नाम रचना है, ये बनालिका का नाम है मेरी, उसका आइडिया स्कूल की क्लास होती है ना, तो अच्छा। उसका है। एंड मैम न्यूमरोलॉजी मैंने ना बहुत जगह से सीखा है, बस मेरे को ना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं ना बोल नहीं पाती, पता सब कुछ होता है, अभी क्या हुआ है कि काफी टाइम से छोड़ दिया मैंने। मैं वैदिक पे, जैसे होता है ना कि मैंने वैदिक ही पढ़ा है, लूसो ग्रिड तो मैंने बस स्टार्टिंग में किया था, वो मुझे समझ नहीं आया जितना अच्छा मुझे वैदिक लगा। और उसके बारे में मैम जब लास्ट जैसे आपको जो सेमिनार हुआ था उसमें आपने वैदिक को एक्सप्लेन किया, तो मुझे वो था कि उसको और कितना डिटेल में सीख सकते हैं। मतलब मैम न्यूमरोलॉजी में अगर मुझे जैसे ना आप है या कोई नेक्स्ट बैच भी आप लॉन्च करें कि जैसे कि मैं मतलब शुरू से है मेरे को न्यूमरोलॉजी का कि उसके डेप्थ में जाना है और क्या नया मिल सकता है मुझे वहां से। ओके ग्रेट ग्रेट, मतलब आपकी वैदिक की अच्छी खासी रिवीजन होने वाली है। हां वैदिक की मैम, मैंने ना लूसो ग्रिड पे कभी मैम किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ा है उसके बारे में। बट जो वैदिक आप यहां सीखोगे ना आई एम डेड श्योर आपने अभी तक सीखी नहीं होगी। हो सकता है मैम, क्योंकि ना मेरे को वैदिक का वही मैंने बोला ना आपको, आपका मैंने सेमिनार लास्ट टाइम जब ज्वाइन किया था तो उसमें मुझे कुछ अलग मिला, तो था कि मैं वो करूं फिर उसके बारे में डिटेल में जाऊं। जी जी जी, चलो वेलकम टू एसआरके। ओके थैंक यू मैम। ओके जी राजवी जी आई है हमारी पुरानी स्टूडेंट। ओम साईराम राजवी जी। ओम साईराम मैम एंड ओम साईराम एवरीवन। मैम कैसी चल रही है राज प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी की? मेरे क्लासमेट्स जितनी बढ़िया नहीं चल रही है मेरी, पर आपसे जुड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए आई एम नॉट अ लेजी पर्सन बट मेरे को इतना इंटरेस्ट है, पर लाइफस्टाइल कुछ ऐसा कर दिया है ना मैंने कि स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। बट इतना पता है हमेशा आपसे जुड़े रहना है और एक कोर्स एक बार नहीं, आप 10 बार फीस ले लो तो 10 बार रिपीट करना है। अच्छा अभी हो क्या रहा है मेरे केस में, आपको 2 मिनट का टाइम हो तो। एक्चुअली ना जब भी आजकल मेरा सर्कल मुझे कॉल करता है मैं बोलती हूँ सॉरी आई कांट ज्वाइन, मेरा तो आज क्लास है, तो वो सब बोलते हैं कि ऐसा कौन सा गुरु तेरे को मिल गया है, तो मैं बोलती हूँ द्रोणाचार्य जैसे गुरु ना मेरे को मिल गए। अब जब वो मेरे को क्लास में नहीं देखते तो डांटते भी अच्छे से, तो देन उनको इतना पता चला है कि राजवी ने लाइफ में किसी चीज को इतना सीरियस नहीं लिया है जितना ही अपने ऑनलाइन क्लास को सीरियस लेती है, तो उन सबने ना मुझे क्लाइंट देने शुरू कर दिए है कि भाई तेरे को जितना भी आता हो ना तू इनको दिखा दे। फिर मैं बोलती हूँ नो नो आई एम डूइंग प्रैक्टिस, और वो अभिमन्यु जैसा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को कि चक्रव्यूह में घुस जाओ पर बाहर तो निकलना ही ना आता हो। तो ना हमारे ग्रुप में सब ने आपको रिक्वेस्ट किया था ना मैम कि एक साथ ना सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना, तो मेरा क्या होता है मैं उनका प्रिडिक्ट कर लेती हूँ, पर जब रेमेडीज की बारी आती है तो मैं हवा में डूलती हूँ झूलती हूँ, मेरे को यही पता नहीं चलता अब इसको कौन सी रेमेडी सजेस्ट करूँ। तो क्लाइंट अभी मेरे पास 35 जितने आ गए है, पर मैं ना अभिमन्यु के जैसे चक्रव्यूह में अटक गई हूँ, और वो लोग कहते हैं हमें कोई जल्दी नहीं है, आप हफ्ता 10 दिन बाद हमें रेमेडी दो, हमारा चार्ट अच्छे से देखो। पर मैं आई एम यू नो मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट सब कुछ बढ़िया से आता है, तो मैं इतना पोलाइटली सबको एक्सप्लेन करती हूँ ना 5 एलिमेंट्स और सारी चीजें, तो सबको मेरे में इतना बिलीव हो जाता है, पर जब रेमेडी आती है ना तो मेरी टाइट टाइट फिश हो जाती है। तो ना आप हो सके ना तो जैसा 2-4 जनों ने रिक्वेस्ट किया था ना वैसे पूरा फाइल हमें मिल सकता हो ना, वी आर रेडी टू पे, आप कोई सा भी अमाउंट ले लो और पूरा फाइल एक साथ आ जाएगा ना तो फट से पता चल जाएगा कॉम्बिनेशंस है, फिर रेमेडीज है, फिर मेडिकल देखना है, सब कुछ एक ही फाइल में अगर पॉसिबल है तो। एंड वी आर रेडी टू पे, मतलब आई एम रेडी टू पे। एक अलग से ग्रुप बना देंगे क्योंकि आप लोगों ने काफी चैट कर रखी है इस ग्रुप में, की क्वेरीज आती रहती हैं, तो अलग से ग्रुप बना देंगे, उसमें वीडियोस डाल देंगे 1-2 लेके 21 लेक्चर तक।
हाँ तो उसमें क्या होगा, कभी हमें किसी क्लाइंट से डील करनी हो ना, तो एक ही जगह पे जाके सब कुछ हम चेक कर सकते हैं, ये एक एक सेपरेट सेपरेट नहीं खुलना पड़ेगा। ठीक है और प्लीज हाँ, और इसके लिए आपकी टीम को मेहनत करनी पड़े ना, तो वी डोंट वांट इट फॉर फ्री, यू जस्ट टेल अस द चार्ज एंड एटलीस्ट आई विल पे यू द चार्ज। नो चार्जेस डियर, नो चार्जेस, बिल्कुल हो जाएगा जो आपने बोला वो हो जाएगा, डोंट वरी। यू ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्थी and today you are really looking like a princess, my angel, my guru. Thank you, god bless you dear. God bless you ma'am and god bless to everyone. Yeah of course. Okay next, Sampa Bhakta ji. Hello ma'am. Yes, Om Sai Ram ma'am. आपसे बहुत बार बात हुई है पहले भी, क्योंकि क्लास करना था और पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंस्टॉलमेंट का सिस्टम दिया इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ना एक साथ पैसा देना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी सीखी हूँ थोड़ा थोड़ा और प्रेडिक्शन भी करती हूँ, लेकिन कहीं जाके ना अटक जाती, जैसे होता है ना कब होगा मैं बस बंद, तो इसीलिए आपका बहुत सारा वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया है, बहुत इंटरेस्ट था, कब ज्वाइन करेंगे फाइनली ज्वाइन किया। थैंक यू, वेलकम टू SRK फैमिली। थैंक यू सुष्मिता जी। सुष्मिता जी आई थिंक शी कैन नॉट टॉक, आई थिंक रश्मि जी हेलो मैम। ओम साई राम रश्मि जी। ओम साई राम अच्छा तो आपने रश्मि के नाम से क्यों लॉगिन करा है, मुझे लगता है राधा आवाज सुनी सुनी सी है। नहीं मैम वो ना एक्चुअली ये मम्मा की आईडी है, लॉगिन करा है मैंने आज। अच्छा अच्छा ओके ओके, पुरानी स्टूडेंट न्यूमरोलॉजी की, जैसे मैंने बोला ये न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहते हैं, बाकी भी न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स ही हैं। चलो अब आप अनम्यूट हो ही गए तो कुछ बता दो बच्चों को कैसा रहा आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और उनको भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा क्या क्या करने वाले हैं वो लोग। मैम बहुत अच्छा कोर्स था मैम, मेडिकल वाला तो बिल्कुल एक्यूरेट आती है एंड प्लस योगा एक्यूरेट आती है, तो बहुत सारी बताई हैं आप, हर चीज के लिए रेमेडी बताई है आपने बहुत अच्छे से, और मैम प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से एक्यूरेट ऑलमोस्ट एक्यूरेट आता है, मैम बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। ओके मेडिकल न्यूमरोलॉजी का और एक्स्ट्रा मिली है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, चलो ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टॉक, तो उनसे बाद में कर लेंगे इंट्रोडक्शन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जैसे कि हम सबको पता ही है, नंबर वन सन का नंबर है, तो सूर्य की तरह ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा, इनके फेस से ही पता चल जाता है कि दे बिलोंग टू नंबर वन, तेज होता है इनके फेस पे, यू नो शाइन होती है, बिकॉज नंबर वन जो सूर्य है वो सबको रोशनी देते हैं, सबको शाइन देते हैं, तो सिमिलरली दे पीपल आर आल्सो बॉर्न टू शाइन। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटीज इन लोगों में इतनी होती है, और अगर इन लोगों को बिजनेस जॉब भी करनी है तो दे वॉन्ट कि इनको टॉप मैनेजमेंट पोजिशन ही मिले, दे कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशर, तो अगर टॉप मैनेजमेंट पोजिशन नहीं मिल पाती
तो ये लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना इनको आइडियली करना चाहिए, और इसी वजह से नंबर वन को बिजनेस नंबर भी कहा गया है। जब अभी हम लोग बिजनेस नंबर्स पढ़ेंगे कौन कौन से नंबर्स को बिजनेस सूट करता है, तो नंबर वन इज ऑल्सो वन ऑफ द नंबर्स जिनको बिजनेस सूट करता है। एंड अगर इनको टॉप मैनेजर पोजिशन नहीं मिल रही तो हम लोग इनको रेकमेंड करते हैं कि आप कुछ बिजनेस करिए। अब वो किस चीज़ का बिजनेस करेंगे ये हमारा प्रोफेशन के चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों के अंदर होती है, जैसे हमने भी पढ़ा है रॉयल, बिकॉज काफ़ी हाई पोजीशंस पे ये लोग मोस्टली जाते हुए देखा है मैंने भी अपने करियर में, तो रॉयल रॉयल्टी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है इनका। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, दे कैन नॉट परफॉर्म अंडर प्रेशर, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इनबिल्टी ऐसी क्वालिटीज होती है कि टॉप पे जाना है, हाई पोजिशंस पे जाना है, और अगर नहीं मिली बिकॉज इनको अपने डिसीजन खुद लेने हैं, दे कैन नॉट वर्क अंडर एनी वन। अगर कोई तभी इन लोगों को टॉप मैनेजमेंट पोजिशंस के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर इन लोगों को टॉप पोजिशंस नहीं मिली तो ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे, तो इस वजह से ये लोग परफॉर्म खुल के नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, अंडर प्रेशर दे कैन नॉट परफॉर्म का मतलब ये है कि अगर डिसीजन अपने खुद नहीं ले पाएंगे, बार बार किसी से पूछना पड़ेगा, किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, तो ये लोग ये नहीं कर सकते। इनको चाहिए अपना राजा की तरह कि हम जो बोल दें वो बेस्ट है, तो दैट इज वाई इन लोगों को बोला जाता है कि अंडर प्रेशर दे कैन नॉट परफॉर्म। इफ दे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत कम एज में ही देखा गया है कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी, इनोवेटर्स, किसी भी नई चीज़ का इन्वेंशन करना है तो वन, और अगर फोर साथ में है तो सोने पे सुहागा, ठीक है। पायनियर्स और ब्लेस्ड विद द सन का क्या मतलब है कि इफ समवन इज हैविंग बेसिक वन एंड डेस्टिनी ऑल्सो वन देन दे आर श्योरली ब्लेस्ड विद द सन। ये चीज बहुत देखी गई है, क्योंकि जैसे मैं आप एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ उस बारे में, प्लीज कीप इट फॉर मी। हू इज ऑन अनम्यूट? नंबरটা ছোট ছোট লাগতে পারে। मैम आप आप म्यूट कर दीजिए सबको। मैं वही। ओके, अब किसी को कोई क्वेरी होगी तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम? यस, नंबर वन के बारे में, ब्लेस्ड विद द सन। अब क्या हुआ कि few months back मेरी क्लाइंट है वो, तो उनका बेसिक डेस्टिनी तो वन वन नहीं है, लेकिन उनके हस्बैंड का था बेसिक और डेस्टिनी वन, उनके पास वन नहीं था। शी वॉज आई थिंक 2.5 या 2.7 ऐसे ही था वो उनका। तो आई जस्ट टोल्ड हर, उनका ना बहुत ज़्यादा मन में उनके परेशानी थी, बहुत टेंशन थी उनको कि वेदर उनका बेटा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज फैमिली का प्रेशर था, फर्स्ट डॉटर थी। तो जब वेन शी कंसीव तभी उन्होंने मुझसे इस बारे में बात करी थी कि फैमिली का प्रेशर है मैम, तो मुझे बॉय चाहिए चाहिए, अदरवाइज कैसे मैं मैनेज करूँगी। तो मैंने उसको बोला कि स्टैम्प पेपर पे लिख के मैं तुम्हें दे दूँ कि तुम्हारा सेकंड बॉय ही है। तो मतलब वेन शी, मतलब जब उनका बेटा हुआ तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको उसने कॉल करके बताया कि मैम मेरा बेटा हुआ, एंड शी वॉज लाइक क्राइंग। तो बिल्कुल बेसिक वन और डेस्टिनी वन है, तो आप उसको लिख के दे दो कि आपका बेटा होगा ही होगा, फर्स्ट नहीं है तो सेकंड होगा। तो ऐसे अभी काफ़ी सारे हम लोग कॉम्बिनेशंस करेंगे आगे जाके कि सन की और डॉटर की प्रिडिक्शन कैसे करनी है, बट अभी फिलहाल नंबर वन की बात हो रही है। तो बेसिक डेस्टिनी जिनका वन है उनका बॉय फॉर श्योर होगा। ऑलवेज वॉन्ट फ्रीडम, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि ये लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। अगर वन नंबर का कोई बच्चा है तो भी वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, और बिल्कुल वो फ्रीडम चाहिए उनको, इंडिपेंडेंस चाहिए, वो अंदर बात नहीं सुनेंगे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की। फार साइटेडनेस, दूरदर्शी होते हैं, दूर का ज़्यादा सोचते हैं, फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे होते हैं, ये मेन बात, दे आर गुड इन फ्रेंडशिप, बहुत जल्दी इनके फ्रेंड्स बनते भी हैं और ये लोग निभाते भी हैं उस फ्रेंडशिप को। डोमिनेटिंग,
लेकिन अपनी तो जरूर चलाएंगे, बिकॉज डोमिनेटिंग और इगोइस्टिक नेचर तो है, एम्बिशियस, और जैसे मैंने बताया कि बहुत कम एज में लोग अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए एम्बिशियस होते हैं, इगोइस्टिक, ईगो बहुत होती है इनके अंदर, स्टबर्न, जिद्दी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और वहीं अगर नंबर वन मिसिंग होगा आपकी ग्रिड में तो मे बी आपके अंदर ये क्वालिटीज ना हो। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं कि हर नंबर का एक एंटी डॉट नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर नंबर वन नहीं है तो आप में जरूर आप में ये सब क्वालिटीज़ मिसिंग होंगी, फ्यू ऑफ द क्वालिटीज विल बी मिसिंग लेकिन सब नहीं होंगी, क्योंकि हर नंबर का एक एंटी डॉट नंबर होता है, तो अगर वो नंबर प्रेजेंट होगा, अभी आगे जाके हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन अगर वो नंबर प्रेजेंट होगा एंटी डॉट नंबर, देन यू कैन हैव क्वालिटीज ऑफ नंबर वन। इसीलिए नंबर वन मिसिंग होते हैं किसी को ग्रिड में, आपने ये नहीं बोल देना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है या आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होंगी, आप फार साइटेडनेस आप में नहीं होगी, आप अथॉरिटेटिव नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि नंबर वन का भी एक एंटी डॉट नंबर है चार्ट में, वो उसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगी, हर एक नंबर का एक एंटी डॉट होता है, ठीक है। तो अगर मिसिंग नंबर होगा, नंबर वन मिसिंग नंबर होगा, तो यस ऑफ कोर्स ये सब क्वालिटीज आप में मिसिंग होंगी, आप लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और एंटी डॉट नहीं है तो भी, तब तो बिल्कुल आप बोल सकते हो, मतलब नंबर वन नहीं है और उसका एंटी डॉट नंबर जो है वो नहीं है तो आप बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ नंबर वन मिसिंग होने से आपने किसी को नहीं बोलना। और आगे जाके क्या मैसेज आएगा चैट बॉक्स में, अच्छा विनीता जी का है 10-10-99। बिल्कुल विनीता जी आप कर सकते हो और आप अच्छा करोगे इस फील्ड में, आपके पास टू नंबर जो न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, बिकॉज अभी हम पढ़ेंगे नंबर टू के ट्रेड्स, तो दो नंबर वाले जो होते हैं ना उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो आप बिल्कुल अच्छा अच्छा राइज करोगे इस करियर में, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते जाएंगे, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगी कि सिर्फ एक नंबर देख के किसी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं करना जब तक आप पूरी ग्रिड नहीं देख लोगे, क्योंकि जो हम स्पेशल कॉम्बिनेशन करेंगे उससे आप लोग ज़्यादा प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन एंटी डॉट होने पे भी नंबर वन की क्वालिटीज हो सकती हैं उस पर्सन में, हो नंबर टू, और ऐसी डिटेलिंग भी आप लोगों को इतनी ज़्यादा कहीं नहीं कराई जाएगी, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर, बस हर नंबर की काफ़ी डिटेलिंग करेंगे हम लोग। नंबर वन में किसी को कुछ इश्यू है तो यू कैन रेज योर हैंड, नहीं तो नंबर टू पे चले। ओके, नंबर टू मून का नंबर है, तो जैसे कि मून के 15 दिन ढलता है, 15 दिन बढ़ता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, सिमिलरली आर नंबर टू पीपल, ऑल दो दे आर ब्यूटिफुल, दे आर अट्रैक्टिव, चंद्रमा की तरह सुंदर होते हैं वो लोग, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं उन लोगों को, हाईली मूडी, अपना मन करा तो खुद खुश तो पूरा घर हंसे, खुद का मूड ठीक नहीं है तो उनके सामने कोई कुछ बोले भी ना, दे आर लाइक दिस, तो फ्लक्चुएटिंग माइंड हमेशा रहता है, तभी नंबर टू वालों को बोला जाता है कि इन लोगों को डिसीजन इश्यूज रहते हैं लाइफ में, क्योंकि माइंड हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है कि अच्छा अब ये कर लूँ, नहीं नहीं उसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो अपने डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए नंबर टू वालों को हमेशा हम लोग कंसल्टेशन में भी ये लोग को बताएंगे कि आप लोग जो है हमेशा अपने पार्टनर का या लाइफ में जो भी आपके फीमेल है या मदर है जो भी, बिकॉज नंबर टू इज़ अ फीमेल नंबर, तो लाइफ में जो भी फीमेल है वेदर इट्स अ मेल, लेकिन अगर उनका पास नंबर टू है बेसिक या डेस्टिनी में, तो आप लोग ये क्वालिटीज उनमें देखोगे कहीं ना कहीं। तो जैसे अभी विनीता जी हैं डेस्टिनी टू हैं और डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मुझे न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो दो नंबर वाले ऐसा ही कुछ होते हैं, वो लोग नहीं डिसीजन ले पाते एंड उनको प्रॉब्लम रहती है, उनको किसी ना किसी का सपोर्ट, किसी ना किसी के हेल्प चाहिए होती है लाइफ का कोई भी मेजर इवेंट डिसाइड करने में, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग इमोशनल बहुत ज़्यादा होती है लोग, तो फैमिली अटैच काफ़ी रहते हैं, क्रिएटिव, उनके अंदर क्रिएटिवनेस कूट कूट के भरी है, तो क्रिएटिव से रिलेटेड भी काम अच्छा करते हैं लोग, फ्लरिश करते हैं इन चीज़ों में,
सेंटिमेंटल, हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है इनका, किसी को भी हेल्प चाहिए तो नंबर टू वाला हमेशा खड़ा है। लेकिन अभी ना जब हम आगे आगे ट्रेड्स करते जाएंगे तो आप देखोगे कि कुछ नंबर के ट्रेड्स मिलते जुलते हैं, तो मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बताती जाऊंगी कि जैसे टू और सिक्स है, ट्रेड्स बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, टू और सिक्स वालों में डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली, या टू और एट के भी आप लोगों को देखोगे कि ट्रेड्स काफी मिलते होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है टू और एट में, तो काफी डिटेलिंग में करेंगे हम। इनफैक्ट नंबर्स भी जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि बेसिक से एडवांस पे जाएंगे, तो बेसिक में हम लोग ये डिफरेंस अगर समझना है नंबर में क्या डिफरेंस है, बिकॉज जो मेल नंबर्स हैं उनकी क्वालिटीज मिलती जुलती होंगी और जो फीमेल नंबर्स हैं उनकी क्वालिटीज मिलती जुलती होंगी, तो कैसे आप लोग डिफरेंस करोगे दोनों में, प्रिडिक्शन में उस कैसे प्रिडिक्ट करोगे डिफरेंटली, अब जैसे नंबर वन वाला है या नंबर थ्री वाला है या नंबर नाइन वाला है, ठीक है, तो क्वालिटीज ऑलमोस्ट मिलती जुलती होंगी, सिमिलरली टू सिक्स एट की क्वालिटीज मिलती जुलती होंगी, तो कैसे आप लोग तो कस्टमाइज पर्सनलाइज कंसल्टेशन दोगे, ये भी आप लोगों को साथ साथ में बताती रहूंगी, ठीक है। तो यस, ऑलवेज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, जैसे अभी हमने बात करी हेल्पिंग नेचर टू वालों की, क्या होती है कि जो टू वाले होते हैं ना, ये अगर इनके पास कोई हेल्प मांगने आएगा ना, तो ये उसके साथ ना उसको पूरी सिंपैथी दिखाएंगे, इनफैक्ट अगर रोना भी पड़ा उसके साथ तो जल्दी रो भी देते हैं लोग इमोशनल होने की वजह से, तो ये डिफरेंस होता है नंबर टू सिक्स और एट में, तीनों हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो टू वाले होते हैं वो इमोशनल ज्यादा होने की वजह से दे विल इवन स्टार्ट क्राइंग विद दैट पर्सन उसकी प्रॉब्लम सुन के। सिमिलरली सिक्स और एट वाले जो है वो प्रॉब्लम सुनेंगे और कहीं ना कहीं हद तक कोशिश करेंगे, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनाते वो सामने वाले के साथ, लेकिन टू वाले जो है वो उनकी बहुत जल्दी इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है, तो इस वजह से वो जल्दी इमोशनल, इमोशंस का नंबर है तो इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं सामने वाले के साथ। नीड मोटिवेशन एंड कंटिन्यूस पुश टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए इनको हमेशा मोटिवेशन चाहिए, पुश चाहिए कि हाँ भाई ये काम करो करो करो, क्योंकि डिसीजंस नहीं ले पाते अपने खुद के, तो जल्दी से इनिशिएटिव नहीं लेते कि मैं ये काम कर लूँ, डिफिकल्टी इन टेकिंग डिसीजंस, जैसे कि अभी हमने इस बारे में बात करी कि डिसीजंस नहीं ले पाते, तो दो नंबर वाला जो अगर आपका बेसिक डेस्टिनी कोई आपका क्लाइंट है, नोन है या खुद भी हो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपको किसी अपने की जो अपनी लाइफ में आपकी जो लगता है बहुत क्लोज है, एक तो उसके डिसीजन लो जरूर, उसकी हेल्प लो अपने डिसीजन लेने में, और दूसरा अपने चार्ट में कुछ मेल नंबर्स को एक्टिवेट रखो, ताकि आपको अगर जरूरत नहीं पड़े किसी का डिसीजन लेने की तो आप खुद भी अपने डिसीजन ले सको। मेल नंबर्स के बारे में भी हम लोग डिटेलिंग करेंगे, मेल नंबर्स फीमेल नंबर्स, क्योंकि अगर किसी को बिजनेस प्रोफेशन या जॉब आपने सजेस्ट करनी है तो उनकी हेल्प जरूर चाहिए होती है हमें सजेस्ट करने के लिए, वो भी हम लोग डिटेलिंग में काफ़ी करेंगे। चैप्टर्स आएंगे सब, हमने जो 51 टॉपिक्स 51 चैप्टर्स हैं एक्चुअली, वो सब आप लोगों को डिटेलिंग में कराऊंगी, और उसके अलावा आप लोगों को आई थिंक 13 या 14 PDF हैं जो मेरी खास बुक्स हैं न्यूमरोलॉजी की जो मैंने पढ़ी हुई हैं, वो आप लोगों को मैं PDF दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ लेकिन आप लोग जब डिटेलिंग में उनमें से पढ़ोगे तो आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो 13 PDF उन बुक्स का, एक ज़ीबो सिंबल का और एक स्विच वर्ड्स का आप लोगों को मैं PDF दूंगी, तो ज़ीबो सिंबल और स्विच वर्ड्स आप लोगों को रेमेडीज़ में भी यूज़ कर सकते हो और चीज़ों में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ज़ीबो सिंबल तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मैं खुद पर्सनली उनको यूज़ करती हूँ, और स्विच वर्ड्स भी आप लोगों को दी जाएंगे, क्योंकि बिसाइड वैदिक रेमेडीज एंड अदर रेमेडीज आप लोग स्विच वर्ड्स और ज़ीबो सिंबल्स भी यूज़ करके आप अपने क्लाइंट को और कस्टमाइज रेमेडीज दे सकते हो, तो रेमेडी स्पेशल तो हमारा कोर्स है ही, रेमेडीज आप लोग इतनी दे पाओगे ना अपने क्लाइंट्स को कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं दो या तीन रेमेडीज के अलावा और क्या रेमेडी दूँ इस पर्सन को, ठीक है। तो लेट्स बैक टू नंबर टू, ऑलवेज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, बेस्ट इंट्यूशन पार्ट, दो नंबर वालों की इंट्यूशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होती है, उनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो कहीं ना कहीं उनको फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये प्रॉब्लम मुझे आ सकती है, ठीक है। तो टू नंबर वालों को ऑकल्ट साइंस बहुत सूट करती है, जैसे कि बोला है, मतलब इंट्यूशन पार स्ट्रांग। अब अगर किसी के चार्ट में एक और, जैसे हम लोग इंट्यूशन पार स्ट्रांग की कॉम्बिनेशन करेंगे, वो कॉम्बिनेशन है और साथ में बेसिक या डेस्टिनी टू है, तो आप देखोगे कि उनकी इंट्यूशन पार इतनी स्ट्रांग होगी कि उनको ना ब्लैक टंग भी बोलते होंगे लोग, जैसे कहते हैं ना काली जुबान, क्योंकि पहले से ही उनको पता चल जाता है ये दिक्कत आने वाली है।
तो मूड चेंजेस बहुत रहते हैं, लोगों को मूडी बहुत होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि 15 दिन ढलता हुआ और 15 दिन बढ़ता हुआ चंद्रमा, एंड पैम्परिंग चाहिए इनको थोड़े थोड़े टाइम में, बिकॉज अगर आपका 2 नंबर वाला कोई है फैमिली में तो आप देखोगे कि अभी भी वो ऐसे ही रहेगा, किसी छोटा बच्चा है घर का, पैम्परिंग चाहिए उनको हमेशा, उनकी तारीफ करते रहो, दे वॉन्ट, शॉर्ट टेम्पर होती है लोग, गुस्सा जल्दी आ जाता है इनको, लेकिन बबल की तरह गुस्सा होता है, जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आ जाता है, ठीक है, नो पेशेंस एट ऑल, डॉटर चाइल्ड मोस्टली। अब इसका क्या मतलब है, ऑल्दो अभी हम और कॉम्बिनेशन करेंगे कि मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड कैसे प्रिडिक्ट करने, डॉटर चाइल्ड मतलब अगर किसी का बेसिक और डेस्टिनी 2 है और तो उनके चांसेस हमेशा यही रहते हैं कि उनकी फीमेल ही होंगी चाइल्ड, ठीक है, जेनरस, बहुत ज़्यादा दयालु होती हैं ये लोग, तो अगर ऑकल्ट साइंस में आ भी रहे हैं 2 नंबर वाले तो स्पेशली उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जेनरस होने से और किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना बना लें, क्योंकि क्या होगा ना अगर ऑकल्ट साइंस में आप आ रहे हो तो किसी के साथ इतना इमोशनली अटैच, जब हम कंसल्टेशन दे रहे होंगे तो इमोशंस हमने अटैच करने हैं, लेकिन उन इमोशंस में फ्लो नहीं हो जाना, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है 2 नंबर वालों को, लेकिन अगर वही बात है कि मेल नंबर्स का सपोर्ट ले लें तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है, और इजीली बिलीव फॉल्स थिंग, तो इसलिए 2 नंबर वालों को बहकाना बहुत आसान है, जल्दी से कुछ भी बात पे बिलीव कर लेते हैं, अट्रैक्टिव, सुंदर होते हैं जैसे मैंने बताया चंद्रमा की तरह, इनडिसिसिव, डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल लगता है उन लोगों की, क्या डिसाइड करें, 2-3 ऑप्शंस आ गए उनके पास तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं, परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए उनको, कैन ईजिली बिलीव फॉल थिंग्स, ओके, गुड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी लवर्स होते हैं, मतलब जितने भी आप लोग इंस्टा पे भी इधर उधर देखोगे उनके चार्ट में 2 या 6 ज़रूर होगा जो फोटोग्राफ लेते रहते हैं ज़्यादा, थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी सेल्फी लवर्स होते हैं, तो 2 नंबर चार्ट में होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफी का बिजनेस भी इन लोगों को काफ़ी सूट करता है 2 नंबर वालों को। अच्छा, तो स्वाति जी बोल रही हैं कि आपने जो जो बताया 2 नंबर वालों का वो काफ़ी कुछ करेक्ट है, उनके फ्रेंड है ऐसे, अच्छा फोटोग्राफी लवर है वो, ओके ओके, हाँ तो आप हर नंबर की डिटेलिंग में ना आप अपने फैमिली मेंबर्स को चेक करना और आप ये देखोगे कि बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेंगे, तो इससे आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और आप लोगों को याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप नोन होंगे वो, तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगी नंबर की डिटेलिंग, आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, वैसे तो हो ही जाएगी बाय द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि इतनी हम लोग रिवाइज कर लेंगे और लाइव प्रैक्टिकल चार्ट्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। थैंक यू विनीता जी, तो प्रैक्टिकल चार्ट हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस तो एंड बाय द एंड तक हो ही जाती है हमारी। हाँ, तो वही अगर नंबर 2 मिसिंग होगा आपके चार्ट में तो आप ऐसा नहीं है कि हर नंबर जो है वो नेगेटिव है, मतलब 2 मिसिंग है तो अच्छा है 2 मिसिंग होना, ऐसा नहीं है, हर नंबर में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अब आज जब हम लोग 4 और 8 पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि 4 और 8 वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं उनके अंदर, मैं खुद डेस्टिनी 4 हूँ, ऑल दो मुझे भी पता है मेरे अंदर बहुत कुछ नेगेटिव है 4 नंबर वाला, लेकिन 4 नंबर वाले जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, कुछ भी नया इन्वेंट करना, अब जैसे मैंने 6-in-1 कोर्स जो है ये मेरी खुद की इन्वेंशन है, आप लोग किसी के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखोगे ऐसा कोर्स जिसका ऐसा कंटेंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो 4 नंबर वाले होते हैं कोई भी लाइफ कोई भी रिसर्च का है मैटर तो 4 नंबर वाले ही करते हैं, ऑल्दो वो सामने नहीं आ पाते क्योंकि 4 नंबर वाले जो होते हैं ना दे आर गुड इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज बैड बाय डिफॉल्ट, तो 4 नंबर वाले क्या करते हैं कि रिसर्च कर दी प्लानिंग कर दी अब आगे कोई और उसको बताएगा, वो आगे नहीं आ पाते, वो बैक स्टेज पे रहते हैं। तो हालांकि मैंने अपने नंबर्स का सपोर्ट ले रखा है तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने हूँ आज, लेकिन कोई नंबर नेगेटिव नहीं है, 4 में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, 8 में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ किस नंबर का सपोर्ट लेना है कि हम उनको एनहांस कर सकें। अब जैसे क्या होता है 8 नंबर वाले तो लाइफ में ना एक माइंड सेट ही कर लेते हैं, जी मेरा तो 8 नंबर है मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर नंबर का एक कुछ सपोर्टिव नंबर्स होते हैं चार्ट में, उनका अगर सपोर्ट ले लिया तो लाइफ जो है ना वो सडन ही अपग्रेड हो जाती है, 360 डिग्री टर्न जैसे मैं बोल रही हूँ ना वो सच में होता है,
ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के आगे इमेजिनरी कोई बात बोल रही हूँ, दैट रियली हैपन्स। और जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ तो मैंने कुछ वैदिक रेमेडीज ऐड करी हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, और आप लोगों को 40 दिन में ही अपने क्लाइंट से फीडबैक मिल जाएगा, आपको टेस्टिमोनियल्स आप अपने खुद बनाओगे कि यस मुझे फ़र्क है एंड नाउ आई एम बेटर। पहले तो अपने आप को करेंगे और फिर आगे ऑब्वियसली प्रोफेशनली तो आप लोग आगे जाओगे ही जाओगे। तो 2 नंबर मिसिंग हुआ तो सेंसिटिविटी लैक कर सकती है, मतलब हो सकता है ऐसे लोग जो है इमोशनली अटैच ना हो पाए अपनी फैमिली के साथ, है ना, हो सकता है कि ऐसा होता है अगर 2 नंबर मिसिंग हो तो। इंट्यूशन पास स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लैक करते हैं, अगर एंटीडॉट भी नहीं है चार्ट में प्रेजेंट तो स्पेशली ये चीज़ तो फॉर श्योर होगी। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एंटीडॉट होने की वजह से हम लोग नहीं बोल पाएंगे, तो पहले कंप्लीट पढ़ेंगे उसके बाद ही किसी को सामने को बोलेंगे कि हाँ जी ये क्वालिटी आपके अंदर मिसिंग है, ठीक है। लेस अट्रैक्टिव हो जाती है लोग, और लेस इम्पल्सिव, लेस इम्पेशेंट अगर नंबर 2 नहीं है तो, बट नंबर 2 की बहुत सारी क्वालिटीज भी है। अच्छा, और लकी नंबर्स भी हम लोग साथ साथ कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो जिसका अगर डेस्टिनी नंबर है और वो प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्योर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बैलेंस है और प्योर फॉर्म में है तो उस नंबर का ज़्यादा यूज़ करना है लाइफ में। तो जैसे नंबर 1 हमने किया था, तो नंबर 1 अगर किसी का डेस्टिनी है या नंबर 1 जो है वो प्योर फॉर्म में है चार्ट में, बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो उस पर्सन को ऑरेंज, गोल्डन और रेड, रेड की जितनी भी फैमिली है, ऑरेंज हो गया और लाइट रेड, आजकल तो इंग्लिश कलर्स कितने आ रहे हैं, तो जो उनकी जितनी भी फैमिली है वो उनको यूज करना है। जिनके चार्ट में डेस्टिनी 1 है या फिर सपोर्ट बेसिक 1 है या प्योर फॉर्म में है नंबर 1 चार्ट में। सिमिलरली अगर नंबर 2 है तो उन लोगों को वाइट यूज करना है, और वाइट की फैमिली जितनी भी होती है, क्रीम, बेज, ये सब वो यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और स्पेशली उन डेज पे तो यूज करना ही है जो उस नंबर का डे है। तो नंबर 1 का डे है संडे और नंबर 2 का डे है मंडे, तो उस डे तो यूज करना ही करना है अगर किसी का डेस्टिनी नंबर है वो, या एडी चल रही है उस नंबर की, अभी एमडी एडी महादशा अंतरदशा आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो फिर उनको यूज करना है नम कलर्स को। तो लॉजिक के साथ हर चीज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों को समझना है और जिसका मेरे पास कोई बेस ना हो या कोई लॉजिक ना हो। नेक्स्ट नंबर 3 गुरु का नंबर है, जैसे कि ये तो गुरु जो है वो इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, नॉलेज, विजडम, तो ये सब चीजें भी लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती हैं। ये लोग हमेशा हंगरी होती है नॉलेज देने के लिए, या लेने के लिए या देने के लिए, तभी लोगों को कंसल्टेंसी बहुत सूट करती है। 3 नंबर वालों को बोला जाता है ना ऑकल्ट साइंस में जरूर आइए, क्योंकि आफ्टर ऑल कंसल्टेंसी का बिजनेस है। तो मेरे चार्ट में 3 नंबर प्रेजेंट नहीं है, ये बात आप लोगों में बता दूँ, 3 नंबर मेरे चार्ट में प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा, जब मैं अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखती हूँ तो वहाँ भी मेरे गुरु नीच के हैं। तो यही इस साइंस का ब्यूटी है कि आप लोग कैसे अपने नंबर्स को पॉजिटिव करोगे। ऑल्दो मैं मिसिंग नंबर रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन जिस नंबर की ज़रूरत है उसकी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो मैंने नंबर मिसिंग, अपने मिसिंग नंबर 3 की काफ़ी सारी रेमेडीज करने के बाद ही मैं इस फील्ड में आ पाई। तो अगर किसी चीज़ को आपके पास नहीं है और आपको उससे रिलेटेड काम करना है तो उस केस में भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो घबराना नहीं है कि यार मेरे पास 6 नंबर तो नहीं है तो मेरे को लग्जरी नहीं मिलेगी, मेरे पास तो 5 नंबर नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हर नंबर का सपोर्ट ले सकते हैं, और लेकिन सबसे पहले उस नंबर की मैं आप लोगों को 7 to 8 रेमेडी सजेस्ट करूँगी। क्योंकि ना क्या है ना कि हम 1 या 2 रेमेडी करते हैं, हमने सपोज नंबर 5 एक्टिवेट करना है अपने चार्ट में, तो मैंने ग्रीन एवेंचुराइन पहन लिया या गाय को ग्रीन चारा खिला दिया, खाली ये कर देने से मेरा नंबर एक्टिवेट नहीं होगा, उसके लिए मुझे और रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मैं हमेशा अपने वेबिनार्स में भी अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने क्लाइंट्स को भी बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे रेमेडीज करवाती हूँ, तो वैसे ही मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगी कि कैसे 1 नंबर की बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे रेमेडी करनी है और वो करने के बाद कैसे रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ऑल्दो मिसिंग नंबर का हम लोग स्टोन भी पहन सकते हैं, लेकिन आई कैन नॉट वेयर अ पुखराज अकॉर्डिंग टू माई चार्ट। तो मैंने कैसे नंबर 3 को अपने चार्ट में एक्टिवेट किया, तो मैं अपना आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, और बहुत ही
बहुत ही अच्छी रेमेडीज है, मतलब रेमेडी पार्ट के लिए तो आई एम सो मच प्राउड कि माय रेमेडी पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, आप लोग भी देखोगे ये चीज़, क्योंकि मैं अभी कम से कम मोर देन 4-5,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ, और मुझे हमेशा अपने स्टूडेंट से यही फीडबैक मिला है मैम कि कोई और कोर्स करके आए थे तो सबसे पहले तो उन्होंने वैदिक सीखी, ये उनको प्लस मिला, और दूसरा जो यहाँ पे रेमेडी सिखाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा असरदार होती हैं और अच्छा लगती हैं और रिजल्ट भी मिलते हैं उनके, तो दैट इज़ वाई द रेमेडियल पार्ट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और करेंगे धीरे धीरे हर एक चीज़ की बात करेंगे, आज तो बेसिक है तो बेसिक पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं हर नंबर के बारे में। तो ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज, नॉलेज लेना देना इनको बहुत पसंद है, नॉलेजेबल होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर छोड़ते हैं, और इनके पास बहुत नॉलेज होती भी है। और गुरु का नंबर है तो बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। हार्डशिप इन चाइल्डहुड, ये जब हम मल्टीपल नंबर्स करेंगे तो अब इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगी कि हार्डशिप इन चाइल्डहुड आप लोग किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। हर नंबर 3 वाले को हार्डशिप इन चाइल्डहुड नहीं रहेगी, तो मल्टीपल नंबर्स में हम लोग ये क्लियर करेंगे। अच्छा, कुछ नंबर्स हैं जो मल्टीपल में अच्छे हैं चार्ट में और कुछ नंबर सिंगल में अच्छे हैं, तो ये प्योर फॉर्म और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड जो मैं बोल रही हूँ ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड काउंसलर्स, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, इनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है इनका। डिसिप्लिन और अटैच टू फैमिली, फैमिली नंबर है नंबर 3, तो 3 नंबर की MD-AD में हम लोग किसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर आपका अगर उनको फैमिली अपनी इंक्रीज करनी है मतलब आगे उनको बेबी वगैरह प्लान करना है तो 3 नंबर की MD-AD PD में वो लोग कर सकते हैं। बेस्ट माइंड विजुअलाइजेशन, मतलब बेस्ट टीचर प्रीचर्स, ये लोग बहुत अच्छे बनते हैं। लीडर्स, लीडरशिप क्वालिटी भी कहीं ना कहीं नंबर 3 में होती है। अब जैसे मैंने बोला है कि 1 और 3 की आपको काफ़ी क्वालिटीज दिखेंगी सिमिलर हैं, तो क्या फ़र्क है दोनों की लीडरशिप क्वालिटीज़ में 1 और 3 की? जो नंबर 1 वाले होते हैं ना, अथॉरिटेटिव लीडर्स होते हैं वो, मतलब कंसेंट नहीं लेंगे किसी का, किसी को पूछेंगे नहीं कि जी मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ इस पे सबका भला है नहीं है मुझे लेना चाहिए, मतलब अपने सिर पे वो ले लेंगे डिसीजन। लेकिन नंबर 3 वाले जो है वो सबको साथ लेके चलेंगे, सबका कंसेंट लेंगे, राय लेंगे, डिसीजन तो वो भी अपने खुद ही लेंगे, लेकिन एक बार सबका कंसेंट ज़रूर लेंगे कि ये डिसीजन लेना चाहिए, इसके क्या क्या प्लस माइनस हो सकते हैं और किसको इससे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती, मतलब सबका वो राय लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन नंबर 1 वाले नहीं लेंगे, वो अथॉरिटेटिव होते हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे, दे डोंट वांट एनीवन सपोर्ट और एनीवन असिस्टेंस। तो ये फ़र्क है दोनों की लीडरशिप क्वालिटीज में। अभी 9 में भी हम लोग लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे, उनके अंदर भी होती है, तो उनके अंदर किस तरह की होती है वो जब 9 नंबर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को डिफरेंस भी मैं समझाती जाऊंगी कि किसके अंदर किस तरह की क्वालिटी सेम हो सकती है। गुरु एडवाइजर अच्छे होते हैं, दे गिव रिस्पेक्ट टू लो क्लास पीपल, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लो क्लास पीपल की, इसीलिए मतलब अगर कोई 3 नंबर वाला नहीं कर रहा तो उसको ये हमें गाइड करना चाहिए कि आपको करनी चाहिए, तभी उसको गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी, बिकॉज गुरु इज अ प्लैनेट जिसको गुरु कहते हैं ना कि लो क्लास पीपल वालों के लिए बहुत उनके अंदर जेनरोसिटी होती है, वो अपने साथ जो है हाई क्लास पीपल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितनी वो अपने से लो क्लास पीपल को देंगे। तभी मैं बोल रही थी ना कि वो लोग जो लीडरशिप भी अगर है उनके अंदर तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स का अपने कलीग्स का सबका ध्यान रखते हुए डिसीजन लेंगे कि खाली मुझे ही फायदा ना हो, ठीक है। दे कैन से नो टू एडिक्शन, तो जब हम किसी का देखेंगे चार्ट में कि जैसे आप लोगों के पास ये ऐसे केसेस भी बहुत आएंगे कि जी मेरे हस्बैंड को या मेरे क्लाइंट को ना एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, वो ड्रिंक करते हैं, वो कब छोड़ सकते हैं या क्या सॉल्यूशन है, तो अगर कहीं 3 की MD-AD PD आप देख रहे हो चार्ट में तो आप उसको बोल सकते हो जी इस टाइम में वो छोड़ सकते हैं, तो इस टाइम में आप अदर रेमेडीज कर लो, अदरवाइज तो आपको उस फायदा नहीं वो छोड़ेंगे, ठीक है। तो गुड इन मैनेजमेंट, अभी हमने बात करी कि मैनेजमेंट स्किल्स लीडरशिप स्किल्स इनके अंदर भी होती है। एजुकेशनिस्ट, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड काम भी सूट करता है और बीडी भी होते हैं उस चीज़ के लिए। गुड स्पीकर्स, चैरिटेबल, क्योंकि लो क्लास पीपल के लिए बहुत ज़्यादा दया होती है इनके अंदर, तो चैरिटी भी अच्छी खासी करते हैं लोग। तो अगर मिसिंग हुआ चार्ट में तो
तो ये सब जो क्वालिटीज हैं ये सब नहीं होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी क्रिएटिविटी कम, क्रिएटिविटी का नंबर भी है। और 3 वाले जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का रिलेटेड बिजनेस भी उनको सूट करता है। ऑल्दो अब ये प्रोफेशन के चैप्टर में हम लोग करेंगे कि 3 नंबर वाले जो है वो प्रॉपर्टी से कैसे कनेक्टेड हैं और कौन से नंबर की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए अगर इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में है भी, तो करेंगे हम लोग उसमें। लेकिन ये 3 नंबर वाले मैंने बहुत देखे हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं। मैनेजमेंट स्किल्स लैक करेंगी, नहीं है आपके अंदर, तो दे कांट से नो टू एडिक्शन, मतलब बेसिक और डेस्टिनी अगर 3 है तो MD-AD का ही वेट करो 3 के आने का। लेकिन जब अगर वो नहीं आएगी जब तक, तब तक ये लोग एडिक्टिव रहेंगे। एडिक्शन छोड़नी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बिजनेस सूट करता है, जॉब से ज़्यादा बिजनेस सूट करता है, और जॉब में भी इनको वही, इनको भी मैनेजमेंट पोजीशंस, हाई पोजीशंस ही चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। ओके, नॉन प्रोसीजर। तो आप लोग अगर नहीं भी लिख पा रहे, अभी मैसेज में किसी ने लिखा था कि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो आप लोगों को PDF मिलेगा, डोंट वरी। आज ही आफ्टर क्लास में 3 या 4 लेक्चर्स के एक साथ PDF शेयर कर दूंगी। तो नंबर 4 राहु का नंबर है, तो जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक माइथोलॉजिकल स्टोरी पढ़ी भी होगी। अच्छा, स्वाति जी को डाउट है। ये स्वाति जी, मैम ऐसा होता है क्या, क्योंकि ये गुरु का नंबर है, तो अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या मतलब बुरी चीज, बुरी हैबिट्स है उसको, तो मैम वो मारक हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर नंबर 3 वाले अल्कोहल ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा 3 का जो मिलना चाहिए। तो मतलब ऐसा हो, यस मैम, गाइड जरूर करो नंबर 3 वाले को। आपके पास अगर कोई कॉन्टेक्ट में है या क्लाइंट भी आते हैं फ्यूचर में कि आपको अल्कोहल, राहु का नंबर है तो काफी खुराफाती होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा। माइथोलॉजिकल स्टोरी भी आपने इनकी पढ़ी होगी कि राक्षस थे, तो फिर जब समुद्र मंथन हो रहा था सभी जो देवता थे उनको अमृत पिलाया जा रहा था, तो जो स्वर भानु है वो देवता का रूप लेकर बैठ गए थे देवताओं के सेक्शन में। तो जब पता चला कि ये तो राक्षस है, विष्णु जी के साथ ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो राक्षस है, तो उन्होंने फिर उनका सिर काट दिया कि ताकि इनके अंदर ना जा सके वो अमृत। तो क्योंकि फेस ने तो अमृत पी लिया था, तो जो ऊपर का पार्ट है ना वो ब्लेस हो चुका था अमृत से, तो दैट इज वाई जो राहु है उसके अंदर बहुत दिमाग होता है। तभी नंबर 4 वालों को मैं कहती हूँ कि उनको हल्के में मत लेना, उनको भी अमृत मिला हुआ है, तो बहुत दिमाग होता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा खुराफाती होते हैं। कुछ भी नया इन्वेंट करना है तो नंबर 4 ही कर सकता है। और मतलब मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे खुद ये बात बोली थी कि कहाँ से इन्वेंट करके लाती हो ये रेमेडीज तुम, मतलब जो सर ने मुझे कराई थी उससे ज़्यादा मैं सर को बता देती थी रेमेडीज अपने। तो ये हम लोगों के अंदर, नंबर 4 वालों के अंदर ये ब्लेस्ड क्वालिटीज होती हैं, हमें खुद मिली हुई हैं, ये मैंने इन्वेंट नहीं करी। तो यस, नंबर 4 वालों जो है वो मैं उन सबको बोलना चाहूंगी, अगर किसी का है बेसिक डेस्टिनी तो प्लीज अपने आप को हल्के में मत लें और डिमोटिवेट ना हो कि मेरे पास तो नंबर 4 है तो मैं लाइफ में क्या, मेरे को तो अनसर्टेनेस रहेगी और प्रॉब्लम्स रहेंगी 4 नंबर वाली। अगर आपने नंबर 4 को पॉजिटिव कर लिया तो ट्रस्ट मी, नंबर 4 बहुत पैसा देते हैं, बस पॉजिटिव करना है और सपोर्ट लेना आना चाहिए। आई थिंक स्वाति जी नंबर 4 है स्वाति जी, ओके। स्वाति जी हाँ मैं नंबर 4, ओके। तो ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी में जल्दी पड़ते हैं ये लोग, कोई भी ब्लेम जल्दी लगता है इनके ऊपर, और सडननेस लाइफ में काफ़ी रहती है, जो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता तो एकदम से हो जाता है। हार्डवर्किंग, इनसे ज़्यादा हार्डवर्किंग कोई नंबर नहीं है, 4 और 8 वालों से हार्डवर्किंग कोई नहीं है। इनसे दिन में 24 घंटे भी काम करा लो, शर्त है उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो 24/7 उस काम को कर लेंगे।
मेरे स्टूडेंट्स मुझे खुद बोलते हैं कि मैम आप रात को सोते भी हो, मतलब मैं 12-1 बजे भी उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही होती हूँ, सुबह 6 बजे भी उनके मैसेज का रिप्लाई कर रही होती हूँ, तो दे आस्क कि मैम व्हेन डू यू स्लीप, बिकॉज जिस चीज़ में जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट होता है तो उस चीज़ के लिए दे कैन डू एनीथिंग। स्टबर्न बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं कि एक बार जो ठान लिया वो करके रहना। बिलीव इन देम सेल्व्स, अपने आप में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन अगर अभी इसका मैं बताऊंगी अगर आपकी चार्ट में मल्टीपल है तो कैसा होगा, तो अगर आपने नंबर 4 का सपोर्ट ले लिया तो ही ये सब जो पॉजिटिव मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो ही दिखेगा आपको, नहीं तो नंबर 4 वाले मोस्टली जो मैंने देखा है नेगेटिव ही होते हैं, उनके अंदर इतने ज़्यादा अनवांटेड फियर्स होते हैं किसी ना किसी बात का, उनके मन में हमेशा डर लगा रहता है किसी ना किसी चीज़ का, और तभी नंबर 4 को इतना डराया जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सपोर्ट कैसे लेना है 4 नंबर का। जैसे मैंने बताया कि 4 नंबर पैसा भी बहुत देता है, मनी का नंबर भी है ये। स्ट्रॉन्ग बिल्ट, इम्यूनिटी अच्छी होती है बॉडी की और बिल्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एटीट्यूडल पर्सनैलिटी, तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड तो होता है इनके अंदर, लेकिन ईगोइस्टिक, दबंग जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा गुंडागर्दी, ये सब इनमें आगे रहते हैं लोग अपने चलाने में आगे। रिबेलियस, जैसे अगर आपका नंबर 4 का कोई बच्चा होगा तो आप देखोगे कि अगर आपने उसको डांट दिया तो जिसे कहते हैं ना कि वापस बैक फायर करने में ना, ये ऐसे लोग देर नहीं लगाते, जवाब ज़रूर देंगे उल्टा टेढ़ा मेरा कि मुझे कैसे डिक्टेट करने की कोशिश करी आपने, तो यू कैन नॉट डिक्टेट सच पर्सन, रिबेलियस होते हैं। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल भी लाइफ में काफ़ी रहती है 4 नंबर वालों को, ईजीली नहीं मिलता ये तो फॉर श्योर है। इम्पल्सिव, गुस्सा भी जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, और एब्यूसिव, जब गुस्सा आता है तो पता नहीं चलता बोल क्या रहे हैं। डिसीजन हार्ड ले लेते हैं कई बार, एग्रेसिव, गुस्सा जैसे मैंने भी बताया बहुत होता है, और गुड इन फ्रेंडशिप ये भी होती है। तो आप देख रहे होंगे 4 और 1 की क्वालिटीज कहीं ना कहीं मिल रही हैं, जैसे मैंने बताया कि दोनों फैमिली नंबर हैं। ट्रैवल अलॉट, एक्सप्लोर करने का इनको हैबिट होता है, तो अगर 4 नंबर वालों को स्ट्रेस भी हो रहा है तो उन लोगों को बोला जाता है कि आप एक ट्रैवलिंग का एक ट्रिप माराओ कहीं पे जाके, तो थोड़ा सा उनको पीस मिलता है उससे। हाई मूड स्विंग्स, बहुत मूडी होते हैं ये, जितने 2 नंबर वाले मूडी होते हैं उतने ही 4 नंबर वाले मूडी होते हैं। नॉट एबल टू फुलफिल प्रॉमिस, 4 नंबर वालों को ये हम लोग राय देंगे कि आप लोग लोन मत लेना, आप लोग डेब्ट्स मत लेना, क्योंकि ये लोग रीपे नहीं कर पाते। रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। पार्टी लवर्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज बैड बाय डिफॉल्ट, तो ऐसा होता है 4 नंबर वालों के साथ, तो इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है कि दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, अपनी बर्थ प्लेस से दूर चले जाओ तभी सक्सेस मिलेगा, और ये होता भी है, जितना ही अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे उतना इनको सक्सेस मिलेगा। तो जितने भी लोगों को फॉरेन जाना होता है पढ़ने के लिए, तो 4 कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑल्दो उसके साथ और नंबर्स भी देखे जाते हैं चार्ट में फॉरेन के लिए, लेकिन 4 नंबर होना भी ज़रूरी है अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है या फॉरेन के लिए स्टडीज के लिए जाना है, इवन सेटलमेंट ऑल्सो। स्पेंड अ लॉट ऑन अननेसेसरी थिंग्स, पैसा नहीं टिकता इनके हाथ में, बहुत खर्चीले होते हैं। अट्रैक्टिव भी होते हैं लोग, और 4 और 1 अगर है आपके चार्ट में तो सन और फादर की नहीं बनेगी इन दैट केस। एक्सीलेंट प्लानर्स, जैसे भी मैंने बताया इनसे अच्छा प्लानिंग कोई नहीं कर सकता, तो एनालिटिक डिपार्टमेंट में या फिर जहाँ पे बैक स्टेज पे प्लानिंग का काम इन्वॉल्व हो वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छा करते हैं। ऑल्दो प्रोफेशन, अभी हम हर प्लैनेट के 15 से 20 प्रोफेशन करेंगे कि कौन से नंबर को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। लैक फोकस, फोकस कहीं ना कहीं लैक करते हैं, अगर आपके अंदर 4 नंबर मिसिंग है तो आप फोकस लैक करोगे, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, हार्डवर्क नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है आप ऑर्गेनाइज नहीं रह पाओगे कि 4 नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर नंबर की अपनी क्वालिटी है, तो 4 नंबर वालों को अब डरना नहीं है। स्वाति जी नंबर का सपोर्ट लेंगे बिल्कुल, कितना मिल रहा है आपके साथ 100%? तो आज 4 नंबर तक की डिटेलिंग करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है, तो 1 से 4 नंबर ही करा आज हमने, और नेक्स्ट क्लास में बाकी नंबर्स की डिटेलिंग करेंगे।
तो अभी यहाँ तक अगर किसी को क्वेरी है तो प्लीज आस्क, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बट वन बाय वन रेज हैंड कर लो एक बार अगर किसी को क्वेरी है तो। स्वाति जी बोलिए। मैम सारी चीजें सही है मुझे लेके, और मैम सब कुछ सही है। अभी मैं बस फोकस पे मतलब फोकस अपना सही करने के लिए ही काफी वर्क कर रही हूँ, तो मैम मैं आगे भी वही करूंगी कि मेरा फोकस अच्छा रखूंगी मैं। और मैम कलर्स के बारे में बता दीजिए बस। अच्छा फोन नंबर का कलर रह गया, फोन नंबर वालों का लकी कलर मतलब जो उनको ज्यादा यूज करना चाहिए दैट इज ब्लू फैमिली, जितने भी ब्लू के कलर्स होते हैं वो उनको काफी सूट करते हैं। ठीक है, और ग्रे। हाँ मैम ग्रे कलर। हाँ ब्लू ग्रे ब्राउन तीनों की फैमिली जो है उनको सूट करती है। और तीन नंबर वालों का रह गया तो उनको येलो गोल्डन ऑरेंज उनको ये सब कलर्स जो इनकी फैमिली कलर्स हैं वो सूट करेंगे। विच कंट्री सूट्स टू नंबर फोर, वो तो कंट्री के चैप्टर में करेंगे ना कि कौन सी कंट्री सूट करती है कंट्री नेम। दीपा जी, अच्छा दीपा जी तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है, दीपा जी कंट्री के चैप्टर में करेंगे अभी, तो आज इन लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। और किसी को कुछ क्वेरी, कुछ कोई पूछना चाहता है तो? नहीं, चलो ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो 1-4 आज हमने पढ़ा है आप लगाना अपने आपके कितना लग रहा है। यस मैम, जो भी आप बोलना चाहते हो। थैंक यू, वैसे आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है चैट बॉक्स पे। ओके तो पुराने स्टूडेंट्स कुछ फीडबैक दे, न्यू स्टूडेंट्स को। हाय प्रभजोत जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। थैंक यू, आपने हमें क्लास में दोबारा से रिज्वाइन करवाया और आज ऐसा लग रहा है कि वो रिपीट हो रहा है तो समझ भी आ रहा है। हाँ रिवाइज हो रहा है। हाँ रिवाइज हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि और अच्छे से हो जाएगा। आप सुंदर लग रहे हो, आप आज आपने आप आज मेकअप किया है क्या? हाँ मेरी आज वास्तु विजिट थी तो मैं वहीं से आ रही हूँ। हाँ तभी मैंने लिख के भेजा आपको कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पार्लर को जल्दी दिख जाता है ना मेकअप, पार्लर वालों को जल्दी मेकअप दिख जाता है, पार्लर वालों को दिख जाता है, असली में भी देखा है ना आप लोगों ने क्लास में। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके माय प्लेजर। चलो ठीक है फिर, नेक्स्ट क्लास है हमारी संडे, तो संडे मिलते हैं। कल तो क्लास नहीं है, कल तो मेरी, हाँ अगर कल मेरा रामबन रेमेडी का वेबिनार है, इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन देन मोस्ट वेलकम। हमारा रामबन रेमेडीज का वर्कशॉप आ रहा है 7th October से, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो भी, अगर किसी को अपने दिवाली को ऑस्पिशियस कैसे बनाना है तो बहुत कुछ उसमें कराया जाएगा, तो वो किसी को ज्वाइन करना हो वो भी कर सकते हो आप लोग। और बाकी आज का सेशन ओवर करते हैं। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साईं राम, स्टे ब्लेस्ड।